मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़के जेक को दिखाया जाता है। फिर यह अपने काम से वापस जाते समय अपने दादाजी को कॉल लगाता है, लेकिन इसके दादाजी जिनका नाम एवे होता है इसे यहाँ आने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आना सेफ नहीं है। दरअसल एवे को भूलने की बीमारी होती है और इस तरह की हरकत वो हमेशा करते रहते हैं। फिर जेक जब अपने घर पे जा रहा होता है तो इसे यहाँ पर एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है और जेक के घर पे आने पर इसके दादाजी यहाँ नहीं होते हैं, जिससे जेक को चिंता होने लगती है। तभी जेक अपने दादाजी को इधर उधर ढूंढने लगता है और इसके दादाजी बाहर गार्डन में पड़े होते हैं और जेक समझता है कि यह मर चुके हैं। लेकिन तभी इसके दादाजी एवे जेक का हाथ पकड़ लेते हैं और इसे कहते हैं कि तुम्हें एक आइलैंड पे जाओ और इमर्सन को ढूंढो और एक टाइम लूप पे भी जाने के लिए इसे कहते हैं, जो कि September 3, 1943 के डेट में सेट होता है। जेक को एवे की यहाँ पर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती है। यहाँ पर एवे की आंख भी गायब होती है और फिर एवे मर जाता है। तभी जेक को यहाँ पर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि जेक की पड़ोसन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन इसकी पड़ोसन को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फिर जेक अपने डॉक्टर के पास आता है और उसे यह सब बातें बताता है। इसकी डॉक्टर इसे कहती है कि यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग की कल्पना है। फिर जेक कहता है कि मेरे दादाजी हमेशा से एक आइलैंड की कहानी सुनाया करते थे जहाँ पर एक चाइल्ड होम हुआ करता था और वहाँ की हेड मिस्ट्रेस का नाम मिस पेरेगिन था, जो कि एक चिड़िया में बदल सकती थी। और यहाँ इस चाइल्ड होम में रहने वाले सभी बच्चों के पास अलग अलग तरह की जादुई शक्तियाँ होती थी और मेरे दादाजी भी वहीं रहते थे और वे मॉन्स्टर से लड़ते थे। तभी डॉक्टर यहाँ पर जेक से कहती है कि यह सब तुम्हारे दादाजी की कहानियों का असर है और यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है कि जेक के दादाजी एवे इसे बचपन से ही उस आइलैंड की कहानियाँ सुनाया करते थे और यहाँ पर रहने वाले बच्चों की तस्वीरें भी दिखा देते। लेकिन जैसे जैसे जेक बड़ा होता जाता है इस कहानी पर उसका विश्वास कम होने लगता है। फिर जेक को इसकी आंटी एक किताब भी देती है जो कि इसके दादाजी ने इसके लिए रखी थी। इस किताब में जेक को एक तस्वीर मिलती है जो कि उसी चाइल्ड केयर होम की होती है जहाँ पर इसके दादाजी रहा करते थे और जिसकी कहानियाँ ये सुनाया करते थे। फिर जेक के मम्मी और डैडी इसे डॉक्टर के पास लाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जेक की दिमागी हालत ठीक नहीं है। और यहाँ पर डॉक्टर से जेक कहता है कि मैं वहाँ पर एक बार जाना चाहता हूँ और उस आइलैंड के बारे में मुझे जानना है। लेकिन इसकी माँ कहती है कि ऐसी कोई भी जगह दुनिया में नहीं है और ये सब सिर्फ बच्चों की कहानियाँ हैं जो तुम्हारे दादाजी सुनाया करते थे। तभी डॉक्टर कहती है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर ये वहाँ पर जाना चाहता है तो इसे वहाँ पर जाने देते हैं, इससे कम से कम इसका भ्रम तो दूर हो जाएगा। और फिर जेक अपने पिता के साथ वेल्स के लिए निकल जाता है जहाँ पर वो आइलैंड है। वेल्स में आकर के जेक उस चाइल्ड केयर होम के बारे में जानने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि यह World War II में एक बम के गिरने से नष्ट हो गया था और यहाँ पर रहने वाले सभी लोग मारे गए थे। लेकिन अगले दिन फिर से उस चाइल्ड केयर खंडर में जेक अकेले जाता है और इस खंडर के भीतर जाने पर उसे बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिलती हैं जिसकी बातें इसके दादाजी कहा करते थे। तभी जेक को यहाँ पर खंडर में एक लड़की दिखाई देती है जो इसे एवे करके बुलाती है, जो कि इसके दादाजी का नाम था। जेक यहाँ पर डर करके भागने लगता है, तभी इसे यहाँ पर दो बच्चे दिखाई देते हैं और वह डर करके बेहोश हो जाता है। फिर जेक को जब होश आता है तो उसके सामने वही लड़की और बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल जिंदा होते हैं और जेक यहाँ पर कहता है कि तुम लोग तो मर चुके थे। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग जिंदा हैं। फिर जेक पहले से ही इनके नाम जानता है क्योंकि इनके दादाजी इन्हीं लोगों के बारे में कहानियाँ सुनाया करते थे। फिर ये सभी जेक को लेकर के एक गुफा में जाते हैं, लेकिन जेक को लगता है कि ये सभी भूत हैं, इसलिए ये डर करके वहाँ से भाग जाता है और अपने होटल में वापस आ जाता है। लेकिन होटल के लोग इसे नहीं पहचानते और इसे रोक देते हैं। दरअसल ये 1943 का समय होता है जब World War II चल रहा था और यहाँ होटल के लोग जेक को दुश्मन का जासूस समझ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वही बच्चे आ जाते हैं जो कि इसे गुफा में मिले थे और खूब तोड़फोड़ करने के बाद जेक को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। फिर जेक को भी विश्वास हो जाता है कि यह 1943 का ही समय है, जबकि अभी प्रेजेंट में 2016 चल रहा होता है, यानी कि वह समय से 73 साल पीछे चला गया है जहाँ पर चाइल्ड केयर होम बिल्कुल ठीक होता और लोग भी जिंदा होते हैं। फिर ये लोग इसे चाइल्ड होम में लाते हैं जहाँ पर इस चाइल्ड होम की हेड मिस्ट्रेस पेरेग्रीन होती है और ये बिल्कुल उसी तरह से होती है जिस तरह से इसके दादाजी कहानियों में सुनाया करते थे। फिर पेरेग्रीन जेक को यहाँ पर रहने वाले बाकी सभी बच्चों के साथ में मिलवाती है। यहाँ पर रहने वाले सभी बच्चों के पास अपनी अलग अलग तरह की शक्तियाँ होती हैं। जैसे ओलिव नाम की एक लड़की अपने हाथों से किसी भी चीज़ में आग लगा सकती है, उसी तरह से इनोक किसी भी बेजान चीज़ में जान डाल सकता है
फियोना भी किसी चीज को अपने हाथों की शक्तियों से घटा या बढ़ा सकती है। ब्राउनी नाम की एक छोटी सी बच्ची बहुत भारी भारी सामानों को भी बड़े आसानी से उठा सकती है। यहाँ पर एक अदृश्य लड़का भी रहता है, इसका नाम मिलार्ड है। फिर इसी तरह से जैक एमा से मिलता है। एमा में भी उड़ने की शक्तियाँ होती है और ये एक जूते की मदद से जमीन पर रहती है। जैक यहाँ पर एमा को पहली नज़र में पसंद करने लगता है। इसी बीच पेरेग्रिन जैक को बताती है कि वह एक पिक्लियर औरत है, कहने का मतलब कि इसके पास भी जादुई शक्तियाँ हैं और ये अपनी शक्ति से अपने आप को पक्षी में बदल सकती है और इसे इम्ब्रीडी कहा जाता है। साथ ही साथ वह टाइम को मैनिपुलेट भी कर सकती है। यानी कि यहाँ पर पेरेग्रिन ने इन सभी पिक्लियर बच्चों यानी कि जादुई शक्ति वाले बच्चों को दुनिया से छिपाने के लिए एक अपना ही टाइम लूप क्रिएट किया हुआ है, जिसे सितंबर 3, 1943 की तारीख में सेट कर दिया है। यानी कि ये लोग हर एक दिन को सितंबर 3, 1943 के दिन में ही जीते हैं। साथ ही साथ पेरेग्रिन जैक को ये भी बताती है कि इस टाइम लूप में केवल पिक्लियर लोग ही आ सकते हैं, यानी कि जिनके पास जादुई शक्तियाँ हैं वह इस टाइम लूप में आ सकते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि जैक के पास भी जादुई शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जैक को इसके बारे में पता नहीं होता है और हमें इसके बारे में मूवी में आगे जानने को मिलेगा। फिर यहाँ पर सभी लोग खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर हमें क्लेयर नाम की एक लड़की को भी दिखाया जाता है, जिसके दो मुंह होते हैं और यह सिर्फ अपने पीछे के मुंह से ही खाना खा सकती है। यहाँ पर इनोक जैक को पसंद भी नहीं करता है, क्योंकि जैक एमा को पसंद करता है जो कि इनोक को अच्छा नहीं लगता है। खाना खाने के बाद ये लोग सब मूवी देखते हैं और यहाँ पर होरेस नाम का एक लड़का अपनी आंखों के थ्रू प्रोजेक्टर की तरह इन्हें फिल्में दिखाता है। यहीं पर इन्हें दिखाया जाता है कि एमा और जैक एक दूसरे को किस करने वाले हैं। दरअसल होरेस में भविष्य दिखाने की शक्ति होती है और ये यहाँ पर भविष्य दिखा रहा है। फिर पेरेग्रिन सभी को लेकर के घर के बाहर आती है, क्योंकि आज एक जहाज के द्वारा इनके चाइल्ड होम पर बम गिराया जाने वाला है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय होता है। लेकिन यहाँ पर पेरेग्रिन अपनी घड़ी के द्वारा समय को वापस एक दिन पहले ले आती है, यानी सितंबर 2, 1943 के डेट में ले आती है और यहीं पर इन्हें खड़े खड़े रात से दिन हो जाता है। यानी कि ये लोग इसी तरह से सितंबर 2 से लेकर के सितंबर 3 के बीच में टाइम लूप बना करके रहते हैं। फिर जैक यहाँ से वापस जाने लगता है और एमा इसे छोड़ने आती है। यहाँ पर जैक एमा की अपनी फोन में एक फोटो भी लेता है। यहाँ पर जैक को यह भी समझ में आ जाता है कि एमा भी इस टाइम लूप में रह करके खुश नहीं है और ये यहाँ से बाहर आना चाहती है, लेकिन वह यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकती है। फिर जैक इस टाइम लूप से बाहर निकल जाता है और 2016 में वापस चला आता है, लेकिन इसके डैड इसे कहते हैं कि हम लोग कल यहाँ से चले जाएंगे। फिर जैक को अपने दादाजी के द्वारा पेरेग्रिन को लिखा हुआ एक पोस्टकार्ड मिलता है, जिसमें एवे ने पेरेग्रिन को वार्न किया है कि बैरन नाम का एक साइंटिस्ट एक दूसरी इम्ब्रेन एवोसेट के द्वारा बनाए गए टाइम लूप को खत्म करने वाला है। यानी कि एवोसेट भी पेरेग्रिन की तरह पिक्लियर है और यह अपने आप को पक्षी की तरह बदल सकती है और इसने भी अपना एक अलग टाइम लूप बना के रखा है। फिर जैक इस टाइम लूप के अंदर वापस आकर के पेरेग्रिन को इसके बारे में बताता है। पेरेग्रिन यहाँ पर एक पक्षी को दवाई दे रही होती है, जो कि दरअसल में एक इम्ब्रेनी होती है और इसका नाम एवोसेट है। यह वही इम्ब्रेनी है जिसके बारे में एवे ने पेरेग्रिन को वार्न किया था और बैरन इसी के टाइम लूप पे हमला करने वाला है। लेकिन जैक की बातें सुनकर के पेरेग्रिन गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। दरअसल पेरेग्रिन नहीं चाहती है कि इस मैसेज के बारे में यहाँ के बच्चों को पता चले। फिर इनोक जैक को ब्राउनी के भाई विक्टर के पास ले आता है। विक्टर मर चुका होता है और इसकी आंखें भी नहीं होती है। फिर इनोक यहाँ पर इसमें जान डाल देता है और इसको देख करके जैक डर जाता है। फिर सभी लोग वॉक पर आते हैं और यहाँ पर जैक एमा से विक्टर के बारे में पूछने की कोशिश करता है कि विक्टर को किसने मारा था, और वह बताता है कि उसके दादाजी की भी मौत बिल्कुल विक्टर की तरह आंखें निकाल करके हुई थी और उसने वहाँ पर अपने घर के पास एक आदमी भी देखा था। तो एमा यहाँ पर कहती है कि तुम उस आदमी को एवे के फोटोग्राफ में पहचान सकते हो, और फिर एमा इसे समुद्र में डूबे एक जहाज में लाती है। एमा यहाँ अपने मुंह के हवा से पूरे जहाज के पानी को बाहर निकाल देती है, यानी कि एमा में उड़ने के साथ साथ मुंह से तेज हवाएं निकालने की भी शक्ति होती है। फिर एमा इसे एवे द्वारा रखी फोटो दिखाती है, जिसमें वह उस आदमी को पहचान लेता है जो कि इसे अपने घर के बाहर दिखाई दिया था। तो एमा इसे बताती है कि यह एक बूढ़ा आदमी है जिसका नाम डॉक्टर बैरन है और यह टाइम लूप में घुस करके सभी पिक्लियर को मारता है और उसकी आंखें खाता है। फिर एमा जैक को यह भी बताती है कि तुम्हारे पास भी शक्तियाँ हैं, क्योंकि मॉन्स्टर को केवल तुम ही देख सकते हो, तुम भी एक पिक्लियर चाइल्ड हो और एवे के पास भी इसी तरह की शक्तियाँ थी, इसलिए वह मॉन्स्टर को मार करके हम सभी की रक्षा करता था। फिर पेरेग्रिन जैक को बताती है कि ये मॉन्स्टर दरअसल बुरी शक्तियाँ वाले साइंटिस्ट थे, जो कि इम्ब्रिनी यानी कि जो पक्षी में बदल सकते हैं उन पर एक्सपेरिमेंट करता था और एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें मार देता था,
ताकि वो लोग अमर हो सके। लेकिन इनका एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और ये लोग मॉन्स्टर में बदल गए, और इंसानी रूप को वापस पाने के लिए ये लोग पिकलियर लोगों के आंखें निकाल करके उसे खाने लगे। और बैरन इन सभी का लीडर है, लेकिन इन्हें पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनकी आंखें सफ़ेद होती हैं, यानी कि जेक के दादाजी और विक्टर को भी इन्हीं मॉन्स्टर ने मारा था और इनकी आंखें खा ली थी। पेरेग्रिन यहाँ पर इसे ये सब बातें बता ही रही होती है, तभी ओलिव यहाँ पर बोलती है कि एवोसेट को होश आ चुका है। एवोसेट यहाँ पर बताती है कि बैरन ने इसके टाइमर को ख़त्म कर दिया है और अब वह यहाँ आने वाला है। फिर पेरेग्रिन कहती है कि हम लोग कल सुबह हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। एमा यहाँ पर चाहती है कि जेक भी उसके साथ चले, क्योंकि केवल जेक ही है जो कि मॉन्स्टर को देख सकता है। लेकिन जेक कहता है कि मेरी एक फैमिली है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। फिर जेक यहाँ से वापस चला आता है, जहाँ इसके डैड समुद्र के किनारे एक लाश दिखाते हैं। इसकी भी आंखें गायब होती हैं, यानी कि ये भी एक पिकलियर था और इसकी भी आंखें निकाल कर मॉन्स्टर ने इसे मार दिया था। इन पुलिस वाले और इसके डैड को लगता है कि यह किसी जानवर का काम है। फिर जेक यहाँ से उस टाइम लूप में वापस भागने लगता है। इसके डैड भी इसके पीछे आते हैं, लेकिन जेक टाइम लूप में अंदर चला जाता है। तभी जेक देखता है कि एक आदमी भी उसका पीछा करते हुए इस टाइम लूप में आ चुका है। जेक इस आदमी से कहता है कि क्या तुम भी एक पिकलियर हो, तो ये आदमी कहता है कि हाँ, और फिर ये अपना रूप बदल करके डॉक्टर गोलन बन जाती है। डॉक्टर गोलन दरअसल जेक की ही डॉक्टर थी और इसी डॉक्टर ने जेक को यहाँ पर आने के लिए कहा था। फिर डॉक्टर गोलन देखते ही देखते बैरन में बदल जाती है, यानी कि बैरन ही डॉक्टर गोलन के रूप में जेक को यहाँ पर आने के लिए कहा था। दरअसल बैरन शुरू से जानता था कि जेक एक पिकलियर है और इसलिए उसने जेक के डॉक्टर के रूप में इसे यहाँ आने की परमिशन दी थी, ताकि वह इसके थ्रू पेरेग्रिन के टाइम लूप में आ सके। फिर बैरन जेक को लेकर के पेरेग्रिन के चाइल्ड होम में आता है और पेरेग्रिन को पक्षी के रूप में बदलने के लिए कहता है, ताकि इसे वह अपने साथ ले जा सके और यहाँ पर बाकी सभी बच्चों को मार सके। लेकिन पेरेग्रिन सभी बच्चों को एक कमरे में बंद कर देती है, जहाँ पहले से ही एवोसेट छुपी होती है। यहाँ पर पेरेग्रिन जेक को कहती है कि प्रॉमिस करो कि तुम इन सभी की रक्षा करोगे, और फिर वह पक्षी में बदल करके पिंजरे में चली जाती है। फिर बैरन जेक को भी इस कमरे में बंद कर देता है। फिर एवोसेट यहाँ पर इन सभी को कहती है कि पेरेग्रिन के हथियारों को ले लो, ताकि हम लोग मॉन्स्टर को मार सके, और ये लोग पेरेग्रिन के हथियारों को लेने लगते हैं। तभी यहाँ पर फोन की घंटी बजती है, जिसे जेक उठाता है, तो यह सुनता है कि यह उसके दादाजी एवे ही हैं, जो कि 1943 के समय में रह रहे थे और वो यहाँ पर मॉन्स्टर को मार रहे थे। जेक यहाँ पर अपने दादाजी की आवाज़ सुन करके काफ़ी इमोशनल हो जाता है। फिर इस कमरे में एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और एवोसेट को मार देता है। फिर वो मॉन्स्टर एनक को पकड़ लेता है, तभी जेक इसे मार देता है, क्योंकि केवल वही है जो इसे देख सकता है। फिर बसते हुए ये लोग घर के बाहर चले आते हैं, तभी यहाँ पर चाइल्ड होम पर फिर से बम गिरने वाला होता है, और चूंकि पेरेग्रिन यहाँ पर नहीं है, ताकि ये लोग टाइम को वापस रिसेट कर सके, इसलिए यह बम चाइल्ड होम पर गिर जाता है और मॉन्स्टर इसके अंदर ही मर जाता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि टाइम लूप खत्म हो चुका है और जेक अब 1943 में ही अटक गया है। फिर ये लोग समुद्र के किनारे आते हैं, जहाँ पर जेक को बताया जाता है कि बैरन पेरेग्रिन को लेकर के इंग्लैंड चला गया है। लेकिन इसके सामने एक विशाल समुद्र होता है और इसके पास कोई जहाज भी नहीं होता है। तभी जेक को याद आता है कि एमा इसे समुद्र में एक डूबे जहाज के पास लेके गई थी, और ये कहता है कि हम लोग उस जहाज से इंग्लैंड जा सकते हैं। और फिर ये लोग जहाज में चले आते हैं और अपनी अपनी शक्तियों से यहाँ पर बच्चे इस जहाज को स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग इंग्लैंड जाने लगते हैं। लेकिन बैरन जहाँ पर पेरेग्रिन को लेकर के गया है, वो 2016 का टाइम लूप है, यानी कि इन लोगों को अब 2016 में जाना होगा। इसका मतलब है कि एमा और सभी बच्चे मर चुके होंगे, जो कि जेक बिल्कुल भी नहीं चाहता है। लेकिन एमा यहाँ पर कहती है कि अगर हम लोग बैरन को मार दे तो तुम्हारे दादाजी जिंदा हो सकते हैं, क्योंकि यह टाइम लूप 6 महीने पुराना है। तभी जेक कहता है कि मैं अकेले वहाँ पर जाऊँगा और तुम लोग यहीं पर रहोगे, और मैं बैरन को मार करके अपने दादा की मदद से वापस यहाँ पर आ जाऊँगा। तभी यहाँ पर बाकी के सभी बच्चे आ जाते हैं और जेक इन्हें कहता है कि अगर हम लोग उस टाइम लूप के बंद होने से पहले अगर बैरन को मार दे और पेरेग्रिन को वापस लेके चले आए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि एमा और बाकी के सभी बच्चे 1943 में वापस चले आएंगे और सामान्य लोगों की तरह जिंदगी जीने लगेंगे। हालांकि इनका टाइम लूप खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लोग अपनी सामान्य जिंदगी जी सकेंगे। और जेक बताता है कि 2016 का जो लूप है वो शाम के 4:30 बजे बंद होगा, यानी कि इन्हें 4:30 बजे से पहले ही बैरन को मारना होगा और पेरेग्रिन को वापस लेकर के आना होगा। फिर ये लोग लंदन पहुंच जाते हैं और एक ट्रेन के जरिए 2016 के टाइम लूप में चले जाते हैं, यानी कि ये लोग अब 2016 में हैं। फिर ये लोग बैरन के पास आते हैं, जहाँ पर बैरन अपने साथियों के साथ होता है। बैरन दरअसल यहाँ पर सभी इम्ब्रिनो को मारने की बातें कर रहा होता है, और बैरन को यह पता चल जाता है कि जेक और बाकी सभी बच्चे यहीं पर पहुँच गए हैं। फिर बैरन अपने साथियों और मॉन्स्टर को बच्चों को मारने के लिए भेज देता है,
फिर जेक और बाकी बच्चे मिलकर के मॉन्स्टर को मारने में लग जाते हैं। तभी यहाँ पर जेक इनोक को जहाज में पड़े कंकालों में जान डालने को कहता है और इनोक अपनी शक्तियों से इनमें जान डाल देता है। फिर ये कंकाल भी मॉन्स्टर को मारने में लग जाते हैं। इधर बैरन की एक साथी ट्विंस और क्लेयर पर हमला कर देती है। तभी हमें ट्विंस की शक्ति भी दिखाई देती है। दरअसल ये लोग हमेशा मास्क इसलिए पहने होते हैं क्योंकि इनका चेहरा बहुत ही डरावना होता है और इससे डर करके इस औरत की मौत हो जाती है। फिर ये लोग बहुत ही मजेदार तरीके से इन मॉन्स्टर को एक एक करके मारने लगते हैं। इसी बीच जेक पेरेग्रिन के हथियार से बैरन को मारने की कोशिश भी करता है लेकिन वो नाकाम रहता है। फिर एमा अपने शक्ति से मुंह से तेज हवाएं निकालने लगती है जिससे बैरन को वह एक दीवार पर चिपका देती है। उधर जेक आकर के पेरेग्रिन और बाकी सभी इमरेनी को जिसे बैरन ने कैद करके रखा था उसे खोलने लगता है लेकिन बैरन यहाँ पर पहुंच जाता है। तभी जेक इन सभी को खोल देता है और ये लोग आजाद हो जाते हैं। बैरन यह सब देख करके गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर के वह जेक को मारने लगता है लेकिन तभी यहाँ पर एमा और इनोक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर दो दो जेक हैं। दरअसल बैरन ने अपना यहाँ पर भेष बदल लिया है और उसने भेष बदल करके जेक का रूप ले लिया है और दोनों अपने आप को जेक साबित करने में लगे होते हैं। एमा और इनोक काफी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर असली जेक कौन है क्योंकि दोनों ही बिल्कुल जेक की तरह दिखते हैं। तभी यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे केवल जेक ही देख सकता है और वो कहता है कि मेरे पास एक शक्ति है जिससे मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं ही असली जेक हूँ। और वो मॉन्स्टर बैरन के पास आने लगता है। जेक कुछ भी नहीं कहता है। फिर वो मॉन्स्टर बैरन को पकड़ लेता है और इसे मार देता है और इसकी आंखें भी निकाल करके खा जाता है। फिर जेक इस मॉन्स्टर को भी पेरेग्रिन के हथियार से मार देता है। अब चूंकि टाइम लूप क्लोज होने वाला है इसलिए ये लोग वापस जाने लगते हैं और सभी लोग एक एक करके जेक को बाय करके यहाँ से चले जाते हैं। एमा भी यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाती है लेकिन वह जानती है कि जेक यहाँ पर नहीं आ सकता है इसलिए एमा जेक को बाय बाय करके यहाँ से चली जाती है। दरअसल ये लोग वापस 1943 में चले जाएंगे और अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगेंगे लेकिन जेक 2016 में ही रह जाएगा। फिर जेक लंदन से फ्लोरिडा पहुंच जाता है जहाँ पर यह अपने घर पर भागते हुए आता है और यहाँ पर यह देखता है कि इसके दादाजी जिंदा होते हैं और यह अपने दादाजी को सारी बात बताता है और इसके दादाजी समझ जाते हैं कि जेक एमा से प्यार करता है। दरअसल जेक के दादाजी भी एमा से प्यार करते थे लेकिन वो एमा को छोड़ करके वापस चले आए थे और वो यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि जेक भी ऐसा करे इसलिए वो जेक से कहते हैं कि तुम एमा के पास वापस चले जाओ। और यहाँ पर जेक के दादाजी एवे जेक को एक मैप भी देते हैं जिसमें पूरी दुनिया में बने अलग अलग टाइम लूप का नक्शा होता है। फिर जेक भागते हुए वापस 1943 के टाइम लूप में वापस चला आता है और एमा से यहाँ पर मिलता है जो कि उसी जहाज पे होती है और ये लोग वेल्स जा रहे होते हैं। और फिर जेक और एमा एक दूसरे को यहाँ पर किस करते हैं और अपने प्यार का भी इजहार करते हैं। यानी कि जेक अब हमेशा के लिए 1943 में ही आ गया है। और फिर सभी बच्चे भी जेक को देख करके काफी खुश होते हैं। इधर पेरेग्रिन को भी हमें दिखाया जाता है जो कि इसी जहाज पे होती है और एक नए टाइम लूप की जहाँ पर ये लोग सेफ तरीके से रह सके उसकी तलाश में ये लोग निकल जाते हैं। और इसी तरह से इस एडवेंचर फैंटेसी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।